हेलो बच्चा पार्टी, इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 28 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के इस सेशन में हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 29। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज नंबर 29 को। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि होलो चार्ज कंडक्टर हैज अ टीनी होल कट इनटू इट्स सरफेस, मतलब कि एक होलो चार्ज कंडक्टर था, इसमें एक छोटा सा छेद कर दिया हमने, राइट। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 एन कैरेट, वेयर एन कैरेट इज द यूनिट वेक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल, राइट। तो हमें ये प्रूव करना है। अब ये जो हमें प्रूव करना है वो किसके लिए हमें प्रूव करना है, होलो चार्ज कंडक्टर लेना है और उसमें छोटा सा होल करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक होलो कंडक्टर के लिए बात करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हमने एक होलो कंडक्टर ले लिया जिसमें अभी कोई इनिशियली कोई छेद हमने नहीं किया, कोई होल नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, राइट। और हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पॉजिटिव है, उसका मतलब कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी वो डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। तो ये जो होलो कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के आउटवर्ड पॉइंट पे, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक पी पॉइंट को एज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस पॉइंट के कारण, मतलब यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट दिख रहा है उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1। और यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे चार्जेस के लिए, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा एक चार्ज था उसको अगर हम नहीं कंसिडर करते हैं तो ये जो हमारा बाकी का चार्ज बच रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो होलो सिलेंडर पे जो ये होलो कंडक्टर पे जो ये चार्ज है, उस चार्ज के कारण भी हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम देता हूँ E2। और वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि जो पी पॉइंट है वहां पे हमें टोटल दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, एक E1 और दूसरा E2, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E1 प्लस E2। और बेसिकली जब हम थियरी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमें पता है कि कंडक्टर की आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू एन कैरेट, जहाँ पे ये जो एन कैरेट है वो डायरेक्शन दिखाता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इस कंडक्टर से आउटवर्ड डायरेक्शंस में, राइट। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये किसके लिए था, एक होलो कंडक्टर के लिए था जिसमें कोई होल नहीं था। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम एक ऐसा होलो कंडक्टर लेते हैं जिसमें एक होल हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा होल कर रहा हूँ, आपको नोट करना है यहाँ पे अगर होल हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, बाकी जो सरफेस बची है उसके ऊपर चार्ज को इंडिकेट कर देते हैं, और यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर लिया है, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर सपोज कि हम इस पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे जहाँ हमने छेद किया था, जहाँ पे होल किया था, अगर उस पॉइंट पे बात करें तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर सकता है। तो जरा लॉजिक लगा के सोचिए बच्चा पार्टी कि अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे तो होल है यानी कि वहाँ पे मैटर नहीं है, और जहाँ पे मैटर अवेलेबल नहीं हो सकती वहाँ पे डेफिनेटली चार्ज भी अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है तो अब मेरे पास बचा है ये बाकी का चार्ज, समझ रहे हो आप। मतलब कि पहले जब मैं यहाँ पे, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की ट्राई करता था तो मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते थे, एक यहाँ जो चार्ज था उसके कारण, दूसरा यहाँ पे जो बाकी का जो चार्ज था उसके कारण। बट अब यहाँ पे जो चार्ज अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं कर सकता। यानी कि इस पॉइंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये बाकी बचे चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें सिर्फ E2 मिलेगा, ठीक है, और इस E2 को हमें फाइंड करना है। राइट बच्चा पार्टी, समझ में आया आप लोगों को? चले अब इसी E2 को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए वापस से आपको इस कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि ये जो P पॉइंट है वो हमने आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर लिया था। अगर सपोज हम एक कोई P पॉइंट लेते हैं जो इनसाइड ऑफ द कंडक्टर है, राइट? तो अगर मैं इनसाइड ऑफ द कंडक्टर की बात करूं और यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस लेता हूं, तो हमें पता है कि गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स Q इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि यहाँ पे अंदर की साइड भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा भाई, जीरो। और अंदर की साइड कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता, ये चार्ज और ये बाकी बचा हुआ चार्ज, यानी कि जैसे हमने बाहर की साइड किया था वैसे ही एक चार्ज करेगा जो E1 प्रोड्यूस करेगा, दूसरा ये सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 इज इक्वल टू जीरो। अब E1 अब ये प्लस है उस तरफ गया तो ये आ जाएगा माइनस। और अगर हम इस वेक्टर सिंबल्स को हम निग्लेक्ट कर देते, यानी कि वेक्टर को अगर हम कंसिडर नहीं करते सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि E1 इज इक्वल टू E2, राइट? E1 इज इक्वल टू E2 हो जाता, ठीक है। चले तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले पकड़ा जाता है, यहाँ पे हम लिखते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैरेट। अब हम काम करते हैं दूसरे फॉर्मूला के साथ। दूसरा फॉर्मूला कहता था कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे E1 की जगह पे रख दूंगा E2 प्लस, ये E2 तो था ही, तो ये आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैरेट E2 प्लस E2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैरेट एन E2 is equal to sigma by 2 epsilon 0 n caret। तो लीजिए हमें जो आंसर लाना था कि अगर हमने उस कंडक्टर में एक होल कर दिया तो उस होल पे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कहा था कि E2 होगा, उस E2 कितना होगा, सिग्मा by 2 epsilon 0 into n caret। राइट बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चंस काफी कॉन्सेप्चुअल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 13 के साथ। थैंक यू।